यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि विदेश में घूम रहे हैं। असम, ये असम के लोग काफ़ी अलग हैं उनसे। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। वो लड़का देखिए कहाँ पे चढ़ा हुआ है पहाड़ पे। ये गेंडा तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शिकायत तो नहीं करना चाहिए, बिहारी तो हम भी है। हाँ हाँ, चार अच्छा लगे लेकर लेगा। उधर उधर, हाँ सही बात है, उधर का तो वही हाल है, थोड़ा थोड़ा सा ले। दोस्तों अभी हम हैं दीफू में, जो असम में पड़ता है, और यहाँ पे असम राइफल का भर्ती चल रहा था, तो अभी उसी के लिए आए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर हमारे जो जितने भी भाइयाँ हैं और जो भी असम राइफल्स का जो भर्ती देने आ रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे दीफू में, तो उसको रहने के लिए यहाँ पे मतलब कि एक स्टेशन के पास ही एक होटल है, जयलक्ष्मी होटल, यहाँ पे आप आसानी से रह सकते हैं। अगर आप 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 3 से ज़्यादा अगर होंगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अगर आप 2 बंदे हैं तो उसमें आप 500 में रह सकते हैं एक रात में, 3 बंदे 150 का पड़ेगा, तो आप 500 में रह सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मंतीपुर पार्क, जो असम के दीपू जगह पे पड़ता है, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे पार्क का कुछ सीन। और मामले से हाँ, कभी बिहार आए हैं कि नहीं आप? अच्छा दिल्ली। ये है मंतीपुंग पार्क दीपू का, और दीपू स्टेशन से करीब ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। आप ऑटो वाले से बोलेंगे कि मुझे मंतीपुंग पार्क जाना है, तो वो आप पहुंचा देगा। वो 20-20 रुपया करके लेगा 2 आदमी का, 40 रुपया हम 2 आदमी हैं, ये एक और है, दोनों आए हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं और क्या क्या है। ये गेंडा तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा। टिकट कहाँ चेक होता है? अंदर ये मंतीपुंग पार्क बड़ा ही खूबसूरत है, देखिए यहाँ पे बता दें कि टिकट लिया 30 रुपये करके 2 आदमी का, टोटल 60। तो हमको लगता है कि पूरा पैसा वसूल है पार्क को देख के, काफ़ी अच्छा है। और इधर स्विमिंग पूल नहीं है, तालाब है, थोड़ा थोड़ा पानी है, और ये फूल है, देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा है। और ये देखिए असम के लोग थोड़ा अलग हैं, लेकिन अपना भारत देश के ही लोग हैं, हम लोग से काफ़ी अलग हैं ये लोग। अंदर अंदर मत जाओ भाई, सब चलता है ना।
इसलिए अभी कोई दिख नहीं रहा है। हम हैं दो और दो तीन लोग वो जो जा रहे हैं असम के ही हैं। ये इतना बड़ा बिल्डिंग लगता है घूमने वाला है। ऊपर जाके आप देख सकते हैं पूरा अगल बगल का नज़ारा। ताला लगा हुआ है, अभी एंट्री नहीं है इसमें। लिफ्ट भी है और ये हमारे भैया ताला खोलने की कोशिश में हैं लेकिन असफल रहे हैं, शायद एंट्री नहीं है इधर। और इधर देख सकते हैं पूरा पहाड़ और पे घर बसा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे आपको कोई भी रोड है समतल नहीं मिलेगा, उबर खबर वो भी नहीं है। ये है कि उतार चढ़ाव है, जैसे पहाड़ पे होता है, पहाड़ पे जैसे चढ़ते हैं। ये काफ़ी पहाड़ी इलाका है तो इस वजह से हो सकता है। और एक केला का गाछ भी है इधर, कुछ गाछ लगा हुआ है इधर। ख़त्म। और ये बच्चों का पार्क, झूला लगा हुआ है, मतलब 10 साल के बच्चों के लिए ये झूला बना हुआ है। और ये कबरी एंगलोंग, हमको लगता है ये नक्शा है, नागालैंड इधर है, गोलघाट उधर है और मेघालय इस तरफ। ये रहा नागौन होजाई, हाँ होजाई नागौन। जब आ रहे थे ट्रेन से तो स्टेशन का नाम था एक होजाई एक नागौन। वो लड़का देखिए, वाह क्या बात है भाई, अच्छा है जी हो बिहार के लाला। देखिए एक शायद केला का पेड़ है, ये देखिए किस तरह का है, त्रिशूल जैसा बना हुआ है इस तरह, जैसे मोर का पंख होता है ऐसे करके, जैसे उंगली है उस तरीके से। काफ़ी अलग है अपने यहाँ के केले के पेड़ से। ये है वाटरफॉल, अभी बंद है तो शायद शाम को चालू होता है, अभी बंद किया, बंद कर दिया है। और ये छोटे छोटे बच्चे असम के लोग। बाबू क्या नाम है? अजीदा। अजीदा असम घर हुआ, वाह क्या बात है, यहाँ के बच्चे भी कितने क्यूट होते हैं। लुक एट दैट, बोलो ए बोलो इधर दिखो, हाय बोलो बोलो। राकेश मिश्रा ब्लॉग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना राकेश मिश्रा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो आ गए स्टेशन और अभी 4:30 बजे अवध दशम आएगा तो वो पकड़ के जाना है घर। और अभी 3:57 हो रहा है और अभी अवध दशम पकड़ के जाना है। हम लोग कुछ हमारे दोस्त हैं, ये लोग अभी फिजिकल देके आए हैं असम राइफल का। सब चीज़ हो गया, दौड़ हो गया, हाइट वेट सब चीज़ हो गया और बाद में जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें सबको फेल कर दिया।